एशियन डेविस सोनपुर का ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार आपको दिखा रही है और इस वक्त हमारी टीम आई हुई है वार्ड संख्या तीन में। पिछले 2017 में जब टोनी जी चुनाव लड़े थे उस वक्त ये सेकेंड पोजीशन पे आए थे, कुछ वोट से हार गए थे। इस बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वार्ड संख्या तीन में कहा जाता है कि यहाँ जल जमाव की उतनी समस्या नहीं है, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं टोनी जी, ये भ्रष्टाचार के मुद्दा को बना के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ है इनसे जानते हैं। पिछले बार तो आप चुनाव लड़े थे, कौन सा मुद्दा था आपका? मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार पे ही था, जो आगे भी जो आगे पर 10 साल जो जीते हुए थे, जनता का मन में द्वेष था कि हर एक चीज में पैसा देना पड़ता है, कोई कोई साइड मुद्दा से। हम भी बीच में, जनता लोग साथी लोग के बीच में गए तो उनका कहना था कि नहीं आप आइए, तो उस मुद्दा पे हम आए। जिस तरह आज के डेट में भी, जो वर्तमान में भी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, 2 लाख रुपए इंदिरावास सरकार देती है जनता तक, 1,80,000, कहीं 1,70,000। आज के डेट में 2 लाख रुपया अगर इंदिरावास को मिलेगा तो गरीब 2 लाख में घर नहीं बना सकता है, बना सकता है। इंदिरावास की अगर बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पे इंदिरावास में हर जगह कमीशन लिया गया है, क्या कहेंगे? मतलब जैसे फर्स्ट ट्रिप आता है, बैंक में पैसा आया, उससे पहले कमीशन दीजिए। क्या चीज का कमीशन? आपका कहने का अर्थ है कि से यहाँ पे इंदिरावास में कमीशन लिया गया है, कितना तक लिया गया है? 20,000-20,000 रुपया लिया गया, कहीं कहीं 30,000-30,000। इंदिरावास बना कितना है यहाँ पे? इंदिरावास तो हमको लगता है 10-12 गो 75% 80% प्रोसेस में है, लास्ट स्टेज में रुका हुआ है, पैसा का चलते रुका हुआ है। अच्छा, आपका मुद्दा मतलब भ्रष्टाचार का ही, इंदिरावास तो हो गया, और क्या कुछ मुद्दा है? जैसे कुछ घर जो सही में बनना चाहिए जिसका इंदिरावास उसका नहीं बना, पैसे वाला आदमी का कुछ कुछ ज्यादा बना, जो ओरिजिनल गरीब है जिसका बनना चाहिए उसका कहीं कुछ नहीं। मेन रोड पे देखिएगा नाला है, नाला का जल जमाव इधर से उधर कोई पासिंग नहीं है। तो मतलब एकदम डियर के अपोजिशन में है बाढ़, है ना? हाँ, तो पानी तो नीचे निकल जाता है? नीचे निकलता है, लेकिन पानी एक साइड से आधा निकलता है, एक साइड तो पानी फंसा गया हुआ रहता है। इतना यहाँ का जनसंख्या है, वोटर्स कितने हैं ऐसे? वोटर 850-900 के आसपास में है, इस बार 50-100 जुड़ा होगा नया। चुनाव नजदीक आ गया, कितनी तैयारियाँ मजबूत है आपकी? तैयारी हम क्या करेंगे, जनता है, हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं। उम्मीद क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? जनता का आशीर्वाद जो रहेगा, हम तो हर सदा के लिए क्षेत्र में है जनता के साथ में, आज भी है कल इलेक्शन, आना जाना अपना जगह है, लोगों के बीच हमेशा से एकदम रहना ही है। मौका मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा इसे भी घर द्वार है, अपना है, परिवार है, उस टाइप से रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिपोर्ट नेशन टीवी पे लगातार सोनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर जारी रहेगा। हालांकि टोनी जी को इस बार पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि ये जो है चुनाव इस बार निकालेंगे, क्योंकि जनता में जिस तरीके से पैठ बनी हुई है इसे उम्मीद की जा सकती है कि ये चुनाव निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रतिद्वंदी उभर के आ रहे हैं, ऐसे में चुनौतियाँ भी रहेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड संख्या तीन से कौन से प्रत्याशी जो है बाजी मारते हैं वार्ड कमिश्नर के लिए। नेशन टीवी के लिए सोनपुर से मैं प्रेम।